कभी आपने सुना है कि कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो? लेकिन कहते हैं ना, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि ये पूरा केस क्या है। क्या कभी आपने सुना है कि एक महिला गर्भावस्था के दौरान फिर से गर्भवती हो गई हो? इंग्लैंड के एक शहर में एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने 4 हफ्तों के अंतर वाले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। दरअसल ये महिला गर्भवती होने के कुछ ही हफ्तों बाद दोबारा गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट हो गई थी। इसने 4 हफ्तों के अंतराल पर 2 गर्भ धारण किया और अब जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक असामान्य और दुर्लभ मामले में एक महिला ने जुड़वा बहनों को जन्म दिया, जिनके बीच 4 हफ्तों का अंतर है। स्कैनिंग से पता चला दोनों बच्चे डार्सी और होली गर्भ में अलग अलग आकार के थे। इंग्लैंड के लेमस्टर की रहने वाली 30 वर्षीय सोफी स्मॉल को सुपरपिटेशन नामक एक घटना के बारे में बताया गया, जिसमें एक गर्भावस्था के बाद दोबारा नई प्रेगनेंसी हो जाती है। सोफी ने कहा, मुझे पता चल गया था मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मुझे सिर दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए हमने कोशिश जारी रखी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या होता है सुपरफिटेशन। मेडिकल लिटरेचर में सुपरफिटेशन की घटना के कुछ मामलों का जिक्र किया गया है, लेकिन ये मामले उन महिलाओं से जुड़े हैं जो विट्रोफर्टिलाइजेशन यानी कि IVF जैसे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेती हैं। गर्भावस्था के दौरान जब कोई महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो इस अवस्था को सुपरफिटेशन कहते हैं। आपकी पहली प्रेगनेंसी शुरू होने के कुछ दिन बाद या फिर करीब 1 महीने बाद जब आपका एक स्पर्म के संपर्क में आता है तो वह फर्टिलाइज हो जाता है। इसकी वजह से दूसरी नई प्रेगनेंसी की शुरुआत भी हो जाती है। अक्सर जुड़वा बच्चे सुपरफिटेशन से पैदा किए होते हैं। ये अक्सर एक साथ या फिर एक ही दिन में पैदा होते हैं। सुपरफिटेशन में गर्भवती महिला का एक एग फर्टिलाइज होकर दोबारा गर्भ में अलग से जनरेट हो जाता है। आइए जानते हैं किन वजह से होती है ये घटना। ऐसे मामलों को कुछ हद तक असाधारण या फिर दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इसके लिए 3 असंभावित घटनाओं का एक साथ होना जरूरी है। पहला, ओवरी को दूसरा अंडा या फिर ओवम छोड़ना होगा, जो आमतौर पर नहीं होता है। दूसरा ये कि उस अंडे को शुक्राणु कोशिका यानी कि स्पर्म सेल निषेचित करे, ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि प्रारंभिक गर्भावस्था में सर्विकल कैनाल में म्यूकस बनता है, जिससे अलग अलग प्लग बनता है जो स्पर्म का मार्ग रोकता है। और तीसरी, निषेचित अंडे को गर्भाशय में इम्प्लांट करना जबकि एक भ्रूण पहले से ही इम्प्लांट हो। अगर ये इम्पॉसिबल घटनाएं होती हैं तो एक ही समय 2 गर्भ धारण हो सकते हैं, लेकिन इन गर्भ में इन भ्रूणों की गर्भकालीन आयु अलग अलग होगी यानी कि फीटस के जनरेट होने का टाइम अलग अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बच्चों का विकास अलग अलग टाइम पीरियड में होगा। ये जुड़वा बच्चे सामान्य जुड़वा बच्चों से एकदम अलग होते हैं जो 2 अंडों से विकसित होते हैं और इनका विकास भी एक समान होता है। सोफी का पहले से एक बच्चा ऑस्कर है। वो कहती है कि जब मैं डार्सी को जन्म दे रही थी तब मुझे काफी दिक्कतें हुई। मुझे 7 सप्ताह में 8 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया और 120 घंटे तक ड्रिप लगी रही। सोफी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके गर्भ में 2 बच्चे हैं जो अलग अलग आकार के हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के लिए ये भी समझना मुश्किल था कि मैं इतनी बीमार क्यों हो रही हूँ। मेरे 7वें सप्ताह में स्कैन हुआ था और उन्होंने कहा कि ये थोड़ा अलग है, मुझे जुड़वा बच्चे होने वाले थे लेकिन एक दूसरे से बड़ा था, कुछ सही नहीं था। लेकिन वाकई में इस महिला का ये केस चौंकाने वाला था। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।